हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ब्लॉग है, हम आपको मेकअप बताने वाले हैं डस्की स्किन पर। सो आपको डस्की स्किन पे किस तरीके से मेकअप करना है। तो मैंने अभी लेंसेज लगाए हुए हैं फ्रेश लुक के, जो कि आई थिंक फ्रेश लुक, यस मैंने फ्रेश लुक ही लगाया हुआ है, जो कि हमारा ग्रे ब्लू से शेड में है। एंड देन उसके बाद मैंने आइस पर कंसीलर लगाया हुआ है। स्किन टोन से 2-3 पॉइंट लाइटर हमने लगाया हुआ है। जितना हमें फेस फेयर करना है, हम उतना ही कंसीलर हम आइस के ऊपर लगाने वाले हैं, उतना ही फेयर शेड लगाने वाले हैं। देन उसके बाद मैंने पाउडर से फिक्स करा हुआ है, लॉकिंग कर रही हूँ अभी, आप देख सकते हो। तो अच्छे से आपको लॉकिंग करना है, देन लॉकिंग के बाद आपको आई मेकअप स्टार्ट करना है। तो अभी मैंने आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्लो नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा स्पीड में कर दिया। तो आप देख सकते हैं मैं अभी आउटर कॉर्नर में बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और दोनों साइड आपको साथ में ही करते हुए चलना है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई साथ में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो अभी हमने दोनों साइड अच्छे प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर दिया है, और हल्का सा मैं ब्राउन वाइन सा शेड लिया हुआ है मैंने, और उसको मैं प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। और जितना ज़्यादा आप आई मेकअप को ब्लेंड करेंगे, आपको आई मेकअप जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और फिनिशिंग भी आती है परफेक्ट, जैसे आप देख सकते हैं। सो हमारी जो क्लाइंट है उसके फेस पे हल्का सा एक मार्क भी है, और डस्की स्किन है, तो उसको देखते हुए हमें मेकअप करना है। बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा डल भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि भाई ब्राइड डे है, ब्राइड का मेन डे है, तो हमें उसके हिसाब से काम करना है। तो मैं डार्क वाइन शेड लिया है, मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड 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 ओनली ब्लेंडिंग, मैं फुल्ली ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्लेंडिंग आप देख सकते हो किस तरीके से, और ज़्यादा मैं डार्क कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा स्मोकी टच में देना चाह रही हूँ, दैट्स व्हाई मैं इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा डार्क ही पे जाऊँगी, क्योंकि लाइटर करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। देन मैंने लेवेंडर कलर का ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ आइज़ के ऊपर, सेंटर टू इनर टू सेंटर, जैसा आपको समझ में आए आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं अच्छे से उसको ब्लेंड कर दे रही हूँ, यार कभी कभी हो जाता है, समझिए आप, हम भी ह्यूमंस हैं, कोई बात नहीं। देखिए देन उसके बाद फिर मैंने क्या करा है, अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड प्रॉपर तरीके से आपने नहीं किया ग्लिटर्स को तो भी वो पैची पैची दिखेगा, दैट्स व्हाई मैंने प्रॉपर ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद मैं हल्का सा स्पार्कल लगा रही हूँ सिल्वर कलर में, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उसका जो आउटफिट है वो है लाइटर शेड में, तो मैं उसको अभी प्रॉपर तरीके से ग्लिटर डाल रही हूँ हल्का सा। बहुत ज़्यादा कम भी ग्लिटर ना लगे, बहुत ज़्यादा भी ज़्यादा भी ना लगे, तो मैं बहुत लाइटर ग्लिटर ही यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लाइनर आपको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, प्रॉपर तरीके से शेप आप आइस के अकॉर्डिंग शेप दीजिए लाइनर में, कभी भी आप ऐसा नहीं कि सभी को एक जैसा कर रहे हैं, बाकी चॉइस आपकी है। मोस्टली मैं ये लाइनर बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है इस तरीके से लाइनर लगाना। तो अभी मैं लिक्विड लाइनर लगा रही हूँ, और लिक्विड लाइनर आप देख सकते हैं मैंने कैसे अप्लाई कर रही हूँ। फिनिशिंग से लगाना है, देख सकते हैं एक साइड का मेरा थोड़ा सा मोटा कर दिया है मैंने, क्योंकि आईज़ में अच्छा स्पेस है, तो मैं दूसरे साइड का भी थोड़ा सा उसको मोटा करूँगी, थिक करूँगी, ताकि मेरा वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। अब देन उसके बाद आईज़ मेरा कंप्लीट हो चुका है, लैशेज़ मैं अभी नहीं लगाऊंगी, लैशेज़ मैं लास्ट में लगाऊंगी। देन मैंने फ़ेस क्लीन किया, फेस क्लीन करने के बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, मैं वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र आपको प्रॉपर तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब कराना है, आप देख सकते हो मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है स्किन में। आप जितने अच्छे से मॉइस्चराइज़र स्किन में एब्जॉर्ब होगा उतना अच्छा ग्लो आएगा। तो प्रॉपर तरीके से मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर मैंने अप्लाई कर दिया है। स्किन में हाइड्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यदि हाइड्रेशन नहीं होता है तो मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बहुत पैची पैची सा दिखाई देता है, तो स्किन की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है। देन आप धीरे धीरे देखते जाइए, और आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। और आप क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि फेयर स्किन पर बहुत ईजिली काम हो जाता है, बट डस्की स्किन पे काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैंने बहुत इजी टेक्निक में आपको मैं बता रही हूँ किस तरीके से आपको मेकअप करना है। सो अब ये मेरा रियल क्लाइंट है, कोई ऐसा नहीं मॉडल है, तो मैं उसके ऊपर बता रही हूँ नथिंग, ये मेरी रियल ब्राइड है, तो हमें उसी पे ही मैं करके दिखा रही हूँ, क्योंकि रियल क्लाइंट रियल ही होता है, मॉडल मॉडल ही होती है, क्योंकि रियल क्लाइंट की स्किन और मॉडल की स्किन में बहुत डिफरेंस होते हैं।
तो आप देख सकते हो मैंने डार्क ऑरेंज कलर का कंसीलर लिया है और उसको बहुत अच्छे से पूरी स्किन पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरा स्किन जो टोन है वो थोड़ा सा लाइटर हो जाए। अब देख सकते हो, वैसे मैं चाहूँ तो मैं इतना भी छोड़ सकती हूँ, एग्जैक्ट टोन बन गया जो उनका स्किन है, नेक है, नेक जितना फेयर तो मैंने अभी कर ही दिया है। बट देखो क्योंकि क्लाइंट की अभी वेडिंग है तो हमें थोड़ा सा डल नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा फेयर दिखना चाहिए, तो हल्का सा हम फेयर टोन पर जाएंगे। तभी मैं प्रॉपर तरीके से उसको ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो मेकअप फ्लॉलेस नहीं होगा। देन उसके बाद आप देख सकते हो मैंने 2 शेड लाइटर मैंने फाउंडेशन लगा दिया है। अब ये फाउंडेशन को मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड देन उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करना है, आप देख सकते हो। देन उसके बाद मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है, फाउंडेशन उससे 2 शेड लाइटर मैंने यूज़ कर लिया है। बहुत अच्छे से उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से ब्लेंडिंग होनी चाहिए, आप देख सकते हो। देन उसके बाद मैंने कंसीलिंग करी, कंसीलिंग लगाने के बाद अब मुझे जहाँ जहाँ लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा फेयर और देना चाहिए था, मैंने कंसीलर और लगा दिया हाइलाइटिंग पार्ट्स पे। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से पूरा लुक क्रिएट कर रही हूँ और ये फुल ट्यूटोरियल है, बस थोड़ा सा स्पीड में है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, फिर नेट भी नहीं होता है, तो दैट्स वाई मैंने उसको 15 मिनट्स में ही कंप्लीट कर दिया स्पीड में करके। तो प्रॉपर तरीके से मस्त वाला ब्लेंड करना है, ब्लेंड नहीं किया तो फिर मेकअप आपका अच्छा नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप में। तो अच्छे से स्पीड में फटाफट अच्छे से आप ब्लेंड करें, आप देख सकते हो कि कहाँ किस टोन पे स्किन था और अभी हम उसको किस टोन पर लेकर आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं एंड देन मेरा अब ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से। अब ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए, मेकअप में सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लेंडिंग है। यदि ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होती है तो मेकअप मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है, बहुत पैजी सा, बहुत अजीब सा दिखता है। तो अभी मैं ब्लेंडिंग प्रॉपर तरीके से कर रही हूँ, ब्लेंड करने के बाद मैं कॉम्पैक्ट से उसको अच्छे तरीके से फिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं फिक्सिंग कर दिया है मैंने एंड देन थोड़ा सा मैंने पाउडर भी लगाया, देन उसके बाद मैं ब्लशर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ एंड हम स्किन टोन के हिसाब से ही ब्लशर यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा सा डार्क कलर में ही ब्लशर यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हो ब्लशर लगने के बाद वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और लाइनर आप देख सकते हो एकदम स्मूथ लगा हुआ है फिनिशिंग के साथ, ब्लशर आप देख सकते हैं। एंड देन इसके बाद की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो साथ में हम ब्राइड से बात करते हुए भी कर रहे थे तो थोड़ा टाइम भी लग रहा था और स्किन में अब्सॉर्ब कराना भी बहुत ज़्यादा, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया साथ में ताकि वैक्सेस ना दिखाई दें। एंड ब्लेंड करने के बाद अब देख सकते हो अब मैं देन उसके बाद आईब्रो फिलिंग करूँगी। तो नेक्स्ट प्रोसेस मेरी आईब्रो फिलिंग की है तो मैं आईब्रो अच्छे से फिल कर रही हूँ और ये जो आईब्रो फिलर है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत लाइट सेटल्स आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैं इसको प्रॉपर तरीके से कर रही हूँ, परफेक्ट आपको शेप देना है, देख सकते हैं आप आईब्रो जैसे ही आईब्रो डिफाइन होने में कितना अच्छा लग रहा है। और ये मेरा बेस पार्ट है मस्करा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये करना। देन उसके बाद हम लैशेस अप्लाई कर रहे हैं, लैशेस में मेरा ऑन ब्रांड यूज़ करी जो मेरा खुद का ब्रांड है शनिका सोनी के ही नाम से आता है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ लैशेस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लैशेस। और ये लैशेस के बाद आप एक साइड का लुक देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है और एक साइड का कितना ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है, अब दोनों चीज़ें देख सकते हो। अब देन उसके बाद मैं इस साइड भी लैशेस लगा रही हूँ और लैशेस आपको प्रॉपर तरीके से फिक्सअप करना है, मैंने फिक्स कर दिया है जब तक मेरा लैश, अब मैं फिनिशिंग दे रही हूँ। देन इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है फाइनल लुक। तो वैसे आपको समझ में आ रहा होगा हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। सो प्रॉपर ब्लेंड किया हमने एंड साथ में हम आउटलाइन कर रहे हैं, आउटलाइन
मुझे थोड़ा लगा करना चाहिए बट कभी लगता नहीं करना चाहिए था बस पर नेक कवर का जो है मेरा कुछ ऐसा कवर करने के काम करना ही है नहीं करना ऐसा कुछ मेरा नहीं होता उसके बाद मूडी हूं मैं मस्करा मैंने फिर मेरे को नहीं मजा आ रहा था उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया जैसा बना वैसा छोड़ दिया मैंने उसको मैं काजल लगा बहुत कम करती हूं लिपस्टिक से ही शेप बनाना बहुत ज्यादा पसंद है मैं हमेशा लिपस्टिक से ही डायरेक्टली शेप बनाती हूं प्रॉपर तरीके से ब्लेंड किया हुआ है कई बार सोचती हूं नई चीजें भी करते रहना चाहिए आप देख सकते हो लोग आउटलाइन ट्राई करती हूं बट मुझे मजा नहीं है मैंने लॉलेस को भी थोड़ा सा मस्करा अच्छा ही लुक तो देना है अच्छा आ ही जाना है तो फिर मैंने सोचा मैं डाल ही देती हूँ उसके बाद प्रॉपर तरीके से मैंने नेक कवर किया नेक कवर करने का तो उसको फिक्सिंग भी देनी है मुझे और इतना सारा प्रोडक्ट मैंने नेक पे लगाया प्रॉपर तरीके से क्योंकि जितना प्रोडक्ट मैंने फेस पे अप्लाई किया था उतना सारा मैंने नेक पे भी करा क्योंकि नेक अलग दिखता है तो मुझे वो बड़ा पसंद सा नहीं आता है मैंने उसको प्रॉपर तरीके से फिक्स किया सो देन उसके बाद फाइनल लुक दिस इज़ फाइनल लुक आप देख सकते हैं।